आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज है प्रदोष का व्रत। मंगलवार के दिन जब प्रदोष का योग बनता है तब होता है भौम प्रदोष, यानी आज का दिन महादेव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना के लिए बहुत खास दिन है। भौम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शाम की पूजा को भी विशेष बताया गया है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, मंगल संबंधी समस्या हो तो उसका भी निवारण होता है। भौम प्रदोष का और क्या है महत्व और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। भौम प्रदोष का व्रत करेगा कल्याण, मिलेगा मनोकामना पूर्ति का वरदान। भौम प्रदोष की पुण्य तिथि है, भगवान शिव के साथ रुद्रावतार वीर बजरंगी हनुमान की अनंत कृपा पाने की तिथि। महादेव की पूजा से पापों का नाश होता है और हनुमान जी की उपासना से जीवन में आ रही बाधाओं का। आज भौम प्रदोष है, इस दिन महादेव की उपासना का बहुत महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। मंगलवार को यह प्रदोष पड़ता है, इसकी महिमा यह है कि एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था मंगल। तो वह क्या था कि वह हमेशा पूजा करता था। वह बुढ़िया भी भौम प्रदोष को मंगल की पूजा किया करती थी और गुड़ और चने का भोग लगाया करती थी, नियम से रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी ने उस बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए और उसकी परीक्षा में उससे हनुमान जी ने मांगा कि हमें भूमि दे दो। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं मंगल का व्रत रहती हूँ तो भूमि को नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने पुत्र के देह पीठी के उस पर आग जला करके तपा करके उसमें मैं भोजन पकाऊंगा, अपने पुत्र को दे दो। तो बुढ़िया बहुत असमंजस में पड़ गई, उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया और पुत्र के पीठ पर जब हनुमान जी ने सेका तो बुढ़िया अंदर भाग गई। और थोड़ी देर बाद जब देखा उसने कि हनुमान जी उसके सामने आ गए हैं, उसका पुत्र खुश होकर के सामने आ गया है और इस प्रकार से वह बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई और पुत्र को हनुमान जी ने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद से भौम प्रदोष का यह स्वरूप आगे बढ़ता चला आ रहा है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि आती है। एक माह में दो प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है। भौम प्रदोष की उपासना में शिव जी और हनुमान जी के पूजा का विशेष महत्व है। क्या है भौम प्रदोष और क्यों ज्योतिषी इसको कल्याणकारी मानते हैं? भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष के दिन शाम की पूजा उपासना महाफलदायी है। कहा जाता है कि भौम प्रदोष का व्रत करके शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष की शाम को आप कैसे करें प्रभु की उपासना। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें, भगवान शिव की पूजा करें, घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें, शिव जी को पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें, निर्धनों को भोजन कराएं, शिव की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा।
शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। भवन प्रदोष का पूजन विधि यह है कि लोग गुड़ और चने का भोग तो लगाते ही हैं और षोडशोपचार पूजन करते हैं, उस दिन नमक आदि नहीं खाते हैं और उसके साथ ही सायंकाल एक समय भोजन लिया करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूजन का सारा स्वरूप दिन भर हनुमान जी की कृपा से बना रहता है। भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं भी समाप्त होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो उस पर भी भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभदायी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें, मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें, हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें, मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। मंगल दोष से मुक्ति, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है तो मंगल क्या है कि बहुत तेज का कारक माना गया है, जिसका मंगल तेज होता है वो सर्व कार्य को करने में समर्थ होता है। इसलिए उससे मुक्ति का उपाय यह है कि लोग हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शंकर जी की आराधना करें तो निश्चित ही मंगल दोष से शांति मिल जाती है। कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है, जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है और मंगल के खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 9 बातियां लगाएं, हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट का 11 माला जप करें, सारे लड्डू बांट दें। कर्ज मुक्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करना सुप्रद माना गया है। बहुत लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू का दान करते हैं, कुछ लोग दूध में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं जिसके कारण से कर्ज की मुक्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन की बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना को ईश्वर जल्दी सुनते हैं। तो कैसे आप आज शाम को महादेव और हनुमान जी के पूजन से उनकी कृपा पा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या आपको मालूम है इस दिन शाम को आप कुछ खास ज्योतिषीय प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली कई कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन अलौकिक प्रयोगों के बारे में। भौम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है कि ये जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। एक ऐसी तिथि जब आप देवों के देव महादेव और उन्हीं के रुद्रावतार कहे गए बजरंग बली के आगे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अपने खास परेशानियों के लिए भौम प्रदोष के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं।
जब आप महावीर और महादेव के दोनों की आराधना करते हैं तो बाबा भोलेनाथ नौ ग्रहों के अधिपति हैं, तो मंगल अमंगल नाशस्य मंगलम गुरु, वही मंगल जो अमंगल करने वाला रहता है वो मंगल करने लगेगा। और उस दिन आप माता कात्यायनी माता मंगला गौरी का भी आप अगर आप आराधना करते हैं तो जिनके जीवन में विवाह बाधा का दोष चल रहा होगा वो समस्त बाधाओं का शमन होने लगता है। और उस दिन माता मंगला गौरी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला फल इत्यादि चढ़ाकर यथाचित दक्षिणा के साथ माता की आराधना करें और उनसे मंगल कामना करें, आपके जीवन में यथाचित मंगल ही मंगल होना आरंभ हो जाएगा। मंगल के जो इष्ट देव हैं वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी को शिव भगवान का 11वां अंश माना जाता है, तो कहीं ना कहीं से ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, आप देखोगे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन क्या होता है, हम भगवान शिव की भी पूजा करते हैं और हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी कोई असाध्य रोग हो गया हो तो उसके मुक्ति का भी एक खास प्रयोग भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। चलिए हम आपको वह प्रयोग बताते हैं। देखिए असाध्य रोगों को अगर दूर करना है तो भौम प्रदोष के दिन महादेव के साथ साथ आपको महावीर की आराधना करनी पड़ेगी और सरसों का तेल और काले तेल डालकर उसमें उनका दीपक जलाना होगा और महावीर हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगाइए और उनसे मंगल कामना कीजिए। हो सके तो आप हनुमान चालीसा का 8 बार उसका जाप कर लें और बहुत ही सरल विधि है, माह में आप 2 बार पढ़ता है, आप दोनों बार कीजिए, एक बार भौम पढ़ रहा है, अगले बार आप जब भी पढ़े प्रदोष को आप कीजिए। जय काल भैरव। अगर मंगल अच्छा होगा तो जो असाध्य रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी हमारी कुंडली में या हमारे शरीर में। तो इससे क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप जल्दी आप बेहतर हो पाएंगे या फिर उस रोग को मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। इसलिए भौम प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी को भी समर्पित है और हनुमान जी मंगल ग्रह के कारक हैं और मंगल हमारे शरीर का कारक है। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं, एक तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमाना अष्टक का 11 बार पाठ करें, गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें, तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। भौम प्रदोष के दिन शाम को भगवान शिव और प्रभु हनुमान की आराधना आपकी सभी तरह की चिंता को दूर कर देगी, तो आज शाम को कीजिए हनुमान जी की उपासना का खास प्रयोग। महादेव और बजरंग बली को साध लीजिए, आपकी सारी समस्या का अंत हो जाएगा। कहते हैं कि इस दिन शिव शक्ति और हनुमत भक्ति एक साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और इस दिन संध्या कालीन पूजा का विशेष महत्व भी बताया गया है। लेकिन प्रदोष का व्रत और इससे जुड़े कुछ नियम, कुछ सावधानियां आपके लिए जानना समझना जरूरी है। देखिए, ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष, और आज हम बात कर रहे हैं भौम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें, शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें, शिव जी को केतकी केवड़ा अर्पित न करें, अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। ये सारा जो भौम प्रदोष व्रत है ये मंगल से ही संबंधित है, मंगल जी हनुमान जी और शिव जी सबको समर्पित है। तो अगर आप ये व्रत करेंगे तो आपकी कुंडली में जो नकारात्मक प्रभाव है मंगल का उससे आपको राहत मिलेगी। और मंगल की जो दशा होती है वो 7 सालों की होती है, 7 ईयर्स, 7 साल होते हैं मंगल के। और ये ध्यान रखिए, मंगल जो है दशम भाव का कारक माना जाता है, दिग्बली होता है, कर्म है,
मंगल फाइटर है आपकी कुंडली में, तो अगर आप ये व्रत करते हैं और मंगल का आशीर्वाद आपको मिलता है तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, सब मंगल ही मंगल है, तो मंगल की दशा वैसे ही आपकी अच्छी हो जाएगी। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है, शिव की महिमा अपरंपार है, तो देर किस बात की। इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। भगवान हनुमान जी से एक बार माता सीता ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु सर्वत्र हैं और तुम सर्वदा जो है उनका नाम लेते रहते हो, तो क्या तुम्हारे हृदय में भी है। तो उस स्थिति में भगवान ने सीना चीर करके हनुमान जी ने सीता माता को प्रभु श्री राम का दर्शन कराया। हनुमान जी के तो हृदय में भगवान राम हैं। हम लोग कथा जानते हैं कि हनुमान जी ने अपना हृदय चीर करके श्री राम का दर्शन अपने हृदय में कराया था, और भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिया। दो ही देवता हमारे यहाँ हैं धर्म में जो सिंदूर धारण करते हैं, गणेश जी और हनुमान जी। तो जैसे माता सीता हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सिंदूर धारण करती हैं, तो उनको देख करके, सीता माता को देख करके हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिया भगवान की कृपा पाने के लिए। तो उनसे बड़ा भक्त श्री राम का कोई दूसरा नहीं है। तो हमारी यही कामना है कि आपकी हर प्रार्थना हो स्वीकार। चलिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा जीएनटी के साथ।